आज सलीमनाबाद थाने के अंतर्गत ग्राम धनवाही के बड़े तालाब की जमीन पर शासन प्रशासन ने अवैध कब्जे को हटाया। जानकारी के अनुसार यहां की जमीन सिंचाई विभाग के अंतर्गत आती है, जिस पर सुनील मिश्रा पिता सुरेश मिश्रा धनवाही निवासी ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। यहां तार जाली की बाउंड्री लगाई थी। पहले भी इस तरह के अवैध रूप से लगाए गए तारों को हटाया गया था और आज भू राजस्व विभाग और पुलिस दल के सहयोग से तहसीलदार नायब तहसीलदार के मार्गदर्शन में जेसीबी मशीन का सहारा लेकर अवैध कब्जे को हटवाया गया। यहां तहसीलदार विजय द्विवेदी जी, नायब तहसीलदार राजीव मिश्रा जी, सभी हलकों के पटवारी जैसे वर्षा साठी, विवेक तिवारी, गणेश मिश्रा, अशोक खरे और पुलिस दल से टीआई श्री सी के तिवारी जी, अरविंद कुशवाहा, मनीष जी, अजनी मिश्रा जी, सिंचाई विभाग से एसटीओ पीआरएस ने उपयंत्री सीमा चौहान जी उपस्थित रही। संवाददाता सलीमनाबाद प्रिया दुबे। सर, जैसा ये देखा गया जेसीबी मशीन के द्वारा तार हटाए जा रहे हैं, तो इस संबंध में आप कुछ बताना चाहेंगे? जलाशय में अतिक्रमण है, शासकीय जलाशय है, जल संसाधन जी, और सिंचाई विभाग के उसमें है, और यदि कोई भी जल द्वार जो भी जल संस्थाएं यदि अतिक्रमण होता है तो ये अपराधी है जी। तो पहले भी इस संबंध में कोई इन्फॉर्मेशन थी, हटाए गए थे क्या पहले भी? कई बार इनको नोटिस दिया है जी, अपने शासन प्रशासन के सब और फिर मतलब फिर से उनके द्वारा यही कार्य किया गया, तो फिर आप लोगों को जेसीबी मशीन बुलवानी पड़ी। इसको हटाया गया था, पहले एक बार हटाया गया है, इसके बावजूद ये फिर से लगा लिए जी, बार बार अतिक्रमण करना जी, लोगों के लिए भी दिक्कत वाला। तो ऐसा कुछ नाम पता चला व्यक्तिगत रूप से कि किसने लगाया था ये सब? सुनील मिश्रा है, उन्हीं का नाम आता है। धनवाही के हैं सुनील मिश्रा। अच्छा,